कभी ना करें ये पांच गलतियां। पहली, भटूरा तो ये फूला है लेकिन भटूरे की तरह नहीं, नॉर्मल पूरी की तरह, तो ये परफेक्ट भटूरा तो नहीं हुआ। या तो भटूरा ऐसा बन रहा है जो बिल्कुल पापड़ की तरह चपटा, जो फूल ही नहीं पा रहा है, या तो ऐसा बन रहा है अपने अंदर बहुत ज्यादा ऑयल सोक कर रहा है जिसको खाने का मन नहीं कर रहा, या तो आपका भटूरा बेलने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, ऐसे लुप्स उसमें आ जाते, जगह जगह पे वो फटने लगता है। भटूरे का डो प्रॉपर तरीके से कैसे लगाए शायद यही हमें पता नहीं है। तो इन सारी ही प्रॉब्लम्स के ऊपर आज की हमारी वीडियो है। वन बाय वन हम जानेंगे और एक परफेक्ट रेसिपी सीखेंगे। इस रेसिपी से भटूरे पूरे किनारे किनारे तक फूलेंगे, एक सिंगल जगह भी ऐसी नहीं होगी जहां भटूरा आपका फूला नहीं। और छोले बनेंगे बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से, वो भी इतने ज्यादा टेम्पटिंग कि आप बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम भटूरे का डो लगाकर रेडी करेंगे। इसके लिए एक परात के अंदर मैं ले रही हूँ 300 ग्राम जितना मैदा। अगर आपके भटूरे फूल जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी पिचक जाते हैं, फूले फूले नहीं रहते थोड़ी देर, तो ये डालने के लिए हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबलस्पून जितनी हमें सूजी लेनी है, मतलब 100 ग्राम के पीछे 1 टेबलस्पून सूजी यूज़ करते हैं। भटूरा बहुत ज़्यादा चीवी बन जाता है, काफ़ी चबा चबा के खाना पड़ रहा है आपको, इसे डालने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे गेहूं का आटा, और ये भी हम यूज़ करेंगे 3 टेबलस्पून जितना। बस ये थोड़ा सा आटा जब हम मैदे में मिलाते हैं तो भटूरे चीवी नहीं बनते, स्ट्रेची नहीं होते, बहुत सॉफ्ट भटूरे बनके तैयार होंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक इस्तेमाल करेंगे, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि है बेकिंग पाउडर, जो हम केक बनाने में यूज़ करते हैं, ये हमें लेनी है 1/4 टीस्पून जितना। और ये हम ले रहे हैं पीसी हुई चीनी 1 टीस्पून जितनी। पहले हम इन सूखी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बीचों बीच मैंने एक जगह बनाई है, यहाँ हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ दही जो कि फ्रेश है, ये हम लेंगे 5 टेबलस्पून। और अगर ग्राम्स में बताऊँ तो लगभग आपको 100 ग्राम जितने फ्रेश दही का यहाँ पे यूज़ करना है। अब बस ध्यान से सुनिएगा, हमने बेकिंग पाउडर इस डो के अंदर डाला है, दही भी डाल दिया है। बेकिंग पाउडर डबल एक्टिंग पाउडर होता है, मतलब दो बार वो एक्शन करेगा। पहला एक्शन तब करेगा जब वो दही के साथ मिक्स होगा, डो को फुलाएगा जब हम उसको रेस्ट पे रखेंगे, और दूसरी एक्शन हमें वो तब दिखाएगा जब हम भटूरे को तलेंगे। तलते टाइम ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके हम भटूरे का डो लगाएंगे, लेकिन कैसा लगाएंगे? सॉफ्ट। बहुत से लोग यही गलती कर जाते हैं कि भटूरे का डो वो सही से लगाते नहीं हैं, क्योंकि भटूरे का डो पूरी के डो की तरह कड़ा या सख्त नहीं होता, और ना ही चपाती के डो की तरह नॉर्मल होता है, बल्कि हमें सॉफ्ट लगाना है। जैसा आप चपाती के लिए हमेशा लगाते हो ना, उससे आपको सॉफ्ट लगाना है। और डो को अच्छे से आपने लोच ज़रूर लगानी है ताकि बिल्कुल सेट हो जाए। चेक करने के लिए एक उंगली लगा के देखिए, डो आपका बाउंस बैक होगा, मतलब फिर से उठ के अपनी जगह आएगा, मतलब अभी बिल्कुल परफेक्ट डो आपने लगा लिया है। अगर ध्यान से देखेंगे कि डो के अंदर आपको अभी से ही थोड़ी थोड़ी सी जाली बनती हुई नजर आएगी। अब इस डो को बस ऐसे ही ढक के नहीं छोड़ना है, बल्कि आपको गर्म पानी के अंदर कपड़े को थोड़ा भिगा लेना है, बहुत अच्छे गर्म पानी के अंदर। फिर ये कपड़े के अंदर का जो गर्म पानी है, इसको बिल्कुल धीरे से आपने निचोड़ लेना है, संभालिएगा वरना आपका हाथ ना जले। और फिर ये गर्म गर्म कपड़ा इस डो के ऊपर हमें ढक देना है, और तुरंत आप इसके ऊपर कोई भी एक ढक्कन रख दीजिए, या तो बोल को उल्टा करके रख दीजिए। अब गर्मी की वजह से क्या होगा, ये अच्छे से फर्मेंट होगा, बेकिंग पाउडर अपना अच्छा रिएक्शन इसमें दिखाएगा, तो भटूरे के अंदर जाली पड़ने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फ्लेवरफुल छोले बनाने के लिए घर का ही मसाला बनाएंगे और टेस्ट तो बहुत औसम आएगा। इसके लिए एक पैन के अंदर मैं ले रही हूँ 2 हरी इलायची, 4 पीस काली मिर्च है, 4 दाने हैं सिर्फ, 2 हम लौंग ले रहे हैं, 1/2 इंच या तो बिल्कुल छोटा सा पीस लेना है दालचीनी का, 2 छोटे छोटे मैंने तेजपत्ता लिए हैं, बड़ा होगा तो 1 ही लीजिए, और ये ले रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना साबुत धनिया। बस इन मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। अब ये मैं निकाल लेती हूँ। सेम पैन के अंदर मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। ये 10-12 लहसुन की कलियाँ हमने डाल दी। एक बड़े साइज का प्याज था जिसको लंबे टुकड़ों में मैंने काट लिया है, साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा अदरक। इन चीज़ों को हमें अच्छा गोल्डन कलर आने तक भुनना है। देखिए अब ये रेडी है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, बड़ा हो तो 1 ही लीजिएगा। टमाटर यहाँ पे हल्का सा गल चुका है, तभी तक हमें पकाना है। फिर अब मैंने गैस को बंद कर दिया है, और ये जो मसाले पहले हमने भुने थे इसके साथ मिक्स कर लेते हैं बस। और ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हम इसे पीसेंगे कम से कम पानी का इस्तेमाल करके। अब हमें छोलों को अलग से उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम प्रेशर कुकर के अंदर एक ही पॉट के अंदर बनाएंगे।
और ये मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आधा चम्मच जितना जीरा मैंने डाल दिया जो अच्छे से फूल चुका है। 2 चुटकी जितना मैं हींग ऐड कर रही हूँ। फिर डाल देंगे ये पीसा हुआ मसाला। ठंडा होने के बाद मैंने इसको पीसा, थोड़ा ही पानी डाला था पीसते टाइम। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुरू में तो मसाला अपने अंदर सारे घी को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर धीरे धीरे जैसे पकेगा घी सेपरेट करेगा। तो इसी के साथ कुछ सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। 1/4 टीस्पून जितनी मैंने हल्दी ली है। लाल मिर्च का पाउडर ले रही हूँ, ये मैं कश्मीरी यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून जितना। 1/2 टीस्पून ये मैंने नॉर्मल गरम मसाला पाउडर लिया है। कोई भी हम स्पेशल छोले मसाला इसमें यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, है तो आप यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी जो हमने मसाला पीसा था पहले उसी में सारे फ्लेवर्स आ चुके हैं। और ये धनिया पाउडर मैंने डाल दिया। आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून जितना यूज़ करेंगे। और कसूरी मेथी आपको 1 टेबल स्पून जितनी लेनी है, जिसको हम हाथों पे क्रश करके यूज़ करेंगे। कसूरी मेथी यूज़ करने से इन छोलों के अंदर बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, जो आपके पूरे किचन में फैल जाएगी। देखिए मसालों के साथ ये कुक हो चुका है। इसमें मैं बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल रही हूँ और हम इसे बिल्कुल धीमी गैस के ऊपर पकने देंगे, जब तक कि सारा घी अलग छूट के दिखाई ना देने लग जाए। और यहाँ पे देखिए मेरे पास है ये छोले जो ऑलरेडी मैंने भिगा के रख लिए हैं। हमें क्या करना है, इसमें से 1 मुट्ठी जितने छोले अलग निकाल लेने और इन्हें हमें डालना है मिक्सी जार के अंदर। थोड़ा सा पानी डालना है और इसका ना हम एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत बार दिक्कत ये होती है छोले बनाते टाइम, वो थोड़े से पतले हो जाते हैं, बाइंडिंग कंसिस्टेंसी या लटपटी ग्रेवी उसकी बन नहीं पाती, या टमाटर प्याज से निकला हुआ पानी छोलों से अलग भागता है। ये सारी ही चीज़ों को जोड़ने का काम ये पेस्ट कर देगी, जो हम मसालों के साथ ही थोड़ी देर भून लेते हैं। जब मसाले को घी छूटा हुआ नजर आ जाए ना, तब हमें ये पेस्ट इसमें ऐड करनी है और 2-3 मिनट के लिए हम पका लेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी वाली कंसिस्टेंसी इसको आ चुकी है। कोई ज़्यादा हमने काजू मगज का पेस्ट इसमें यूज़ नहीं किया, क्रीम वगैरह यूज़ नहीं किया, लेकिन रिचनेस इसमें अभी भी है। तो अब ये भिगे हुए छोले मैंने इसके अंदर डाल दिए। एक बार हम इसको मिक्स कर लेंगे। टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दीजिए और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गर्म पानी, इतना कि छोले आराम से इसके अंदर डूब जाए। हमने घी तो डाला था लेकिन ऊपर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। पूरा पक जाने दीजिए इसको, फिर देखिएगा कमाल। बॉयल आ चुका है, तब हम प्रेशर कुकर बंद करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे सेट करेंगे और 3 विसल आने तक इंतज़ार करेंगे। प्रेशर पूरा ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर इसे खोलिए। और ये देखिए हमारे बिल्कुल मज़ेदार परफेक्ट कलर के अच्छे पके हुए छोले बनके तैयार है, जो खाने में बेहद टेस्टी है, जो आपने कम मेहनत में बना लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं भटूरों की तरफ। यहाँ पर ये डो अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। कम से कम आपने 2 घंटा रखना है। अगर आपके पास और भी समय है तो आप 4 घंटा पहले भी डो लगा के रख सकते हो। या मैं तो ये कहूँगी कि आज डो लगाया और बाद में आपने डो को फ्रिज में रख दिया, फिर दूसरे दिन अगर आप भटूरे बनाते हो ना, तब तो वो और भी ज़्यादा बढ़िया बनते हैं। मतलब आप बचे हुए डो को फ्रिज में भी रख सकते हो। डो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है अभी हमारा। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये लोइया हमें तोड़नी कैसी है, मैं आपको 2 तरीके दिखाती हूँ, जो मेरी पिछली वीडियो की ही मैं आपको क्लिप्स यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। पहले तरीके में लोई ले ली है, दोनों तरफ से उसको स्ट्रेच करना है, अंदर फोल्ड करना है, स्ट्रेच करना है, फोल्ड करना है। इससे आपकी लोई ऊपर से बिल्कुल चिकनी बनेगी, अंदर कहीं भी क्रैक नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रिक तो यही है इसकी लोई बनाना, तभी आपके भटूरे बढ़िया फूलेंगे। दूसरी ट्रिक में आप ये कर सकते हैं, एक आपने देखिए हाथ में डो को ऐसे पकड़ लेना है और दबा देना है, अपने आप डो ऊपर ऊपर आएगा और नीचे का नीचे ही टूट के अलग हो जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं, इसमें से आपको जो इजी लगे आप लोइया बना लीजिए, लेकिन लोई ऐसी हो ना तो उसको ऊपर से क्रैक हो ना नीचे से क्रैक हो, क्योंकि नॉर्मल जो हम लोई बनाते ना हाथों पे रोल करके, वैसे आप इसकी लोई नहीं बना पाएंगे। अब बेलने का तरीका देख लीजिए, नॉर्मल पूरी की तरह भी आप इसको बेल नहीं पाएंगे, कोशिश करके देखते हैं। देखिए बेला मैंने इसको पलटा, बार बार ये खींचते जाएगा, सिकुड़ते जाएगा, या तो अगर आप इसको ज़्यादा पलट पलट के बेलेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे ऐसे लुप बनते जाएंगे और इसी के अंदर तेल भर जाता है और भटूरे सारे ऑयली बनते हैं और फूल भी नहीं पाते। तो कैसे बेलना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करें इसे बेलने के लिए। चकला बेलन दोनों को ही हमें ऑयल से ग्रीस करना है, लोई को भी अच्छा ऑयल लगाना है। मतलब भटूरे जो है ना बेलने में आपको तभी आसानी मिलेगी जब ऑयल का आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। और देखिए बिल्कुल बेलन इसके ऊपर स्लाइड होना चाहिए, ये देखिए, और इसको बार बार उलटते पलटते नहीं बेलना है, आप एक साइड से बेलो, आराम से बेला जाएगा। किनारे अगर इसके मोटे रहे तो ये बीच में ही अच्छे से फूलेगा, पूरा किनारे किनारे तक नहीं फूलेगा। इसलिए भटूरा जितना बीच में उसका थिकनेस है उतना ही किनारे पर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करके कहते हैं कि जब भी वो भटूरे बेलते हैं ना वो बार बार सिकुड़ते जाते हैं।
ये टेक्निक फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तलने का तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तेल हमें बिल्कुल अच्छा गर्म चाहिए। पहले तो आप बिल्कुल धुएँदार उसको गर्म कर लीजिए, फिर आप लो कर दीजिए फ्लेम को, ताकि ऑयल में भटूरा जब जाएगा तो अच्छे से फूलेगा भी गर्म तेल की वजह से, लेकिन जलना भी नहीं चाहिए। तो अब इसके अंदर जो हमने बेकिंग पाउडर ऐड की थी, वो जब हीट के कॉन्टैक्ट में आती है, मतलब गर्म तेल के कॉन्टैक्ट में आने से, वो और एक बार रिएक्शन करेगी और इसीलिए भटूरा आपका फूल जाता है। तो इसीलिए भटूरे का डो आपको सॉफ्ट लगाना है, लोई आपको बिल्कुल परफेक्ट बनानी है जिसके ऊपर एक सिंगल क्रैक तक ना हो, और ऑयल आपको बिल्कुल बढ़िया गर्म रखना है, तब जाके आपके भटूरे किनारे किनारे तक फूलेंगे। ज़्यादा अगर आपने पतले भटूरे बनाए तो वो फूल नहीं पाते हैं, याद रखिएगा, थोड़ा सा मोटा रखना है। तो बस इन छोटी 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 टिप्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके भटूरे चाहे बड़े बनाए चाहे छोटे बनाए, हर भटूरा आपका गुब्बारे की तरह फूलेगा, ना कि पूरी की तरह। बारिश का मौसम चल रहा है, कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन सबका करता है, तो कभी ना कभी डिनर या लंच में छोले भटूरे का प्लान कीजिए। हमारी बताई गई मेथड से बनाइए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। वैसे आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।